जय हिंद साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस करियर एकेडमी खैरागढ़ के इस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी, कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छे होंगे, उतनी अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। जुड़िए आप मेरे साथ फतह कॉम्पिटेटिव एग्जाम के इस फाउंडेशन बेच के साथ और अपनी तैयारी को एक नया नाम दीजिए। नंबर सिस्टम का क्लासेस चल रहे हैं तो नंबर सिस्टम में आज नया टॉपिक लिए हैं हम, संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित। आप चाहे SSC का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, चाहे व्यापम का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पढ़ रहे हो, उसमें नंबर सिस्टम का यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली पूछा जाता है। उसको ट्रिक के साथ कैसे याद करना बनाना है उसको देखते चलते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं कितना है 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल कितना दे दिया है 560 दे दिया है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दे दिया है कौन कौन से दो संख्या, एक तो 7x दे दिया है और ये 5x दे दिया है, उनका गुणनफल कितना दे दिया है 560 दे दिया है और पूछा क्या है छोटी संख्या। तो अब इसमें छोटी संख्या है तो उसको पहले टिक कर लिए, कितना हुआ 5x। इन दोनों का गुणनफल बोल दिया है तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x × 5x इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 560, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना 5×5 = 7 कितना हो गया 35 और ये x² हो जाएगा, तो ये x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 560। काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7×5 = 35 हो गया, तो 5x² और ये 7×8 = 56 तो ये हो गया 80, ठीक है। अब फिर काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, ये 80 है तो 16 बार में कट जाएगा ये, तो x = 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x = √16 है ये, तो x = क्या हो जाएगी ये 4। अब क्वेश्चन आप लोग का पूछा है छोटी संख्या तो यहीं पे अपन कर लेंगे 5×4 = ये हो जाएगा कितना 20। अगर इसी बड़ी संख्या अगर पूछता तो 7×4 करते तो 28 हो जाता, 7×4 = 28। अगेन देख लीजिए, दो संख्या 7:5 में है, उनका गुणनफल कितना है 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। 7x और ये 5x, इन दोनों का गुणनफल कितना बोल दिया है 560 कर दिए, तो 7×5 = 35 और ये दोनों हैं x², तो 35x² = हुआ 560। अब 5 से कटे तो ये टोटल x² = 16 और x = 4। अब क्वेश्चन बोल दिया छोटी संख्या तो छोटी संख्या आ जाएगा 5×4, तो 5×20, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तीन संख्याओं का योग 75 है, प्रथम एवं द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में अनुपात 5:7 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। अब तीन संख्या बोल दी है, चलो प्रथम को मैं ए माना, द्वितीय को बी माना और तृतीय को अपन सी मान रहे हैं, तो फिर प्रथम एवं द्वितीय मतलब a/b = दे दिया है कितना 3:5 दे दिया है, फिर द्वितीय और तृतीय का मतलब b/c इसका अनुपात दे दिया है कितना 5:7 दे दिया है, तो इन संख्याओं का टोटल योग कितना दे दिया है इन तीन संख्याओं का a+b+c = 75, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या को, तो इसी को अब ये b कॉमन है दोनों में, यहाँ भी दोनों कॉमन है तो कुछ आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। a = मिल जाएगा मेरा 3x, b = मिल जाएगा मेरा 5x और c = मिल जाएगा मेरा 7x। इन संख्याओं का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 5x + 7x = ये हो जाएगा 75 का, 3 और 5 = 8, 8 और 7 कितना 15 हो जाएगा, तो ये 15x = कितना हो जाएगा 75, 15 × 15, 15×5 = 75, तो x = कितना हो जाएगा 5। अब पूछा क्या है क्वेश्चन सबसे बड़ी संख्या, अब इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सा, ये 7x वाला दिख रहा है तो गुणा कर देंगे 7×5 = 5, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, तो ये हो गया। और इसमें छोटी संख्या बोलता तो 3 से, बी वाला पूछता तो 5 से और सबसे बड़ी संख्या या सी से पूछा तो ये 7 से, तो 7×5 = 35, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। दो संख्याओं में तीन अनुपात सात का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दो संख्या दे दिए है तो सबसे पहले कितना, ये 3x हो गया और ये 7x हो गया, प्रत्येक में कितना जोड़ने पर 5 जोड़ने पर, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3x / 7x, अब दोनों में कितना जोड़ने बोल रहे हैं, 5 जोड़ देने पर अनुपात कितना हो जाता है 1:2, तो ये हो जाएगा कितना 1:2।
तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब ये दोनों संख्याओं को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3x + 5 इज इक्वल टू ये 7x + 5, एक के साथ गुणा करोगे तो वही संख्या ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 6x + 2 5 = 10। ठीक है, अगर ये सोल्व करेंगे तो ये 7x - ये कितना हो जाएगा 5। अब सोल्व करेंगे तो 7x - कितना हो जाएगा, इधर ला लेंगे 7x + 5 = 6x + 10 है, पक्षांतर कर देंगे तो 7x - 6x = 10 - कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो x = 5। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों संख्याओं को पूछा है तो गुणा कर दो, तो 3 × 5 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 7 × 5 तो 7 × 5 = 35। तो संख्याएं कौन कौन सा आ जाएगा, ये 15 और 35, दोनों संख्याएं किए हैं, दोनों प्लस किए हैं, तो अनुपात 1/2, इन दोनों का तिर्यक गुणा किए, आगे सॉल्व करेंगे 7x - 6x तो x = 5, और उसी 5 को कहाँ पे डिनोट कर देंगे, यहाँ पे, तो संख्या का मान निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं आगे। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा कितना है, 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ध्यान रखेंगे क्या बोला है, का मतलब उसका गुणा रहता है किसी संख्या के 1/3, तो ये x है तो उसका 1/3 मतलब 1/3 हो गया, क्या 1/3 मतलब किसी संख्या के 1/3 के 1/4, तो ये कितना 1/4 मतलब 1/4 का मतलब फिर वापस गुणा आधा, आधा मतलब कितना आ जाएगा 1/2, कितना है बोल रहे हैं 40 है, तो उस संख्या का 20% निकालना है, जो संख्या आएगा x उसका कितना परसेंट, 20% अपने को ज्ञात करना है। अब इसका सीधा गुणा कर देंगे तो x = कितना हो जाएगा, ये 40 × 3 × 4 × 2 हो जाएगा, तो ये 4 × 3 = 12 12 × 4 = 48 48 × 2 = 96 और ये 0 है उसका 0। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया हम लोग को 960। अब उसी का 20% बोला है, तो ये अपना वहाँ का 20% निकाल देंगे ये परसेंटेज में, तो ऊपर का 1 0 कटा, नीचे का 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, बचता कितना है जी 96 × 2, गुणा कर देंगे 2 6 का 12 का 2 हासिल 1 2 18 और 1 19, तो इसका मान आ जाएगा कितना 192। क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या के 1/3 के 1/4, तो ये संख्या है उसका 1/3 का 1/4 मतलब 1/4 का आधा मतलब 1/2 बराबर कितना है 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, जब इसको टोटल निकालेंगे तो 960 आ जाएगा, और 960 का 20% निकालेंगे तो 192 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, किसी संख्या के कितना 2/3 से उसका 3/4 कितना है, 15 अधिक है, वह संख्या कितनी है। ठीक है, किसी संख्या के 2/3, ये हो गया 2/3, तो 2x - 3 2x / 3 से उसका कितना 3/4 अधिक है ना, तो ये कितना हो गया 3/4 अधिक है या कम बोले, तो उन दोनों का अंतर होता है, बराबर कितना दे दिया है 15, तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसी का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 12, अब ये कटेगा कितने 4 बार में, ऊपर में 2x माइनस कितना ये 4 है, 3 बार में जाएगा 3 × 3x / 12 बराबर कितना 15, तो 4 × 2 कितना 8x और 3 × 3 कितना हो जाएगा ये 9x बराबर कितना हो जाएगा ये 12 है और ये 15 है, तो पहले संख्या था गया। ठीक है, तो 8x 9x में ये हो गया अपना x = 15 × 12, तो x = 15 × 12 = 180, तो x का मान आ जाएगा 180। इधर दो क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसको कमेंट में आंसर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, जय हिंद।